यार बैकग्राउंड के साथ अपनी फोटो को मैच कैसे करें भाई। फोटो को फोटोशॉप में लेकर चले गए, स्किन को स्मूथ कर दिया, बैकग्राउंड को भी रिमूव कर दिया, अरे नई बैकग्राउंड भी ला दी पीछे। और ये क्या, हाथ तो मेरा हवा में रह गया था, तो इसके नीचे फिर ना वो पानी का जो हाइड्रेंट होता है या पानी का कनेक्शन होता है जो, वो नीचे लगा दिया था। तो यहाँ तक तो सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होता, असली कहानी इसके बाद शुरू होती है जो बैकग्राउंड को भाई खुद के साथ मैच करना होता है। हाँ तो नकली सी लगती है ना, अभी फोटो भी लग रहा है भी मैं अलग हूँ, बैकग्राउंड अलग है, ये हाइड्रेंट अलग लगा हुआ है, फोटो में मजा नहीं आ रहा। लेकिन जो फाइनल फोटो आप देखिए उसमें कितना मजा लग रहा है, मतलब कितनी सही लग रही है, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल जैसी लग रही है फोटो। तो वो मैंने कैसा करा वो आप इस वीडियो में देखेंगे, आपको मैं ओवरव्यू दूंगा इसका। तो भाई सबसे पहले तो फोटो में ना DSLR वाला फील होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करा भाई, तो बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट डाल दिया, गॉशियन ब्लर इफेक्ट। इससे क्या होता है बैकग्राउंड थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, बंदा फोकस में रहता है, तो थोड़ा DSLR वाला फील आता है। अभी मैंने जिसके ऊपर अपना हाथ रखा होता है ना फोटो में, भाई उसको भी तो सीन के साथ मैच कराना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो पहले लेवल्स को यूज करा एंड लाइट ज्यादा लग रही थी तो थोड़ा सा डार्क इफेक्ट कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया। फिर ह्यू सैचुरेशन को यूज किया और सैचुरेशन थोड़ी कम कर दी। सैचुरेशन से क्या होता है, सैचुरेशन कम करने से क्या होता है भाई, जो कलर्स ज्यादा लग रहे हैं वो कलर्स कम हो जाते हैं। लेकिन भाई ये सारी की सारी फोटो पे इफेक्ट कर रहा था सारी टोटल, तो नीचे से क्लिप मास्क कर दिया ताकि सिर्फ जो पानी वाला हाइड्रेंट हमने लगाया उसी पे इफेक्ट करे। तो फिर मैंने क्या देखा भाई, एजेस में तो दिक्कत है, जो किनारे किनारे से आ रहे हैं जो हाइड्रेंट के भी हैं और मेरे किनारों में भी थोड़ी कमी थी। फिर मैंने पेन टूल से क्या करा भाई, सिलेक्शन बनाई और वो एजेस को पहले ठीक करा। मैंने कहा कलर्स बाद में मैच करते हैं, पहले एजेस को ठीक कर लें। अब वापस से बैकग्राउंड के साथ खुद को मैच करना स्टार्ट किया मैंने, फिर से ह्यू सैचुरेशन को यूज करा खुद की लेयर के ऊपर इस बारी, भाई अपने कलर्स भी मैच करते हैं ना, हाइड्रेंट के तो कर दिए। ऊपर से ब्लूज को सिलेक्ट करा एंड उनकी सैचुरेशन कम कर दी, क्योंकि मुझे चाहिए था मेरी फोटो में, मतलब मेरे में ब्लू कलर कम हो, इसकी वजह से ब्लूज को सिलेक्ट करके सैचुरेशन कम कर दी। अब देखिए बढ़िया मैच होना शुरू हो गया ना बैकग्राउंड के साथ। जो हाइड्रेंट था ना पानी वाला, उसके ऊपर फिर से लेवल्स का यूज किया, पहले थोड़ा सा डार्क सा करके ना, फिर लेवल्स के साथ में जो मास्क बना होता व्हाइट कलर का डिब्बा सा, उसको सिलेक्ट करा, ऊपर से प्रॉपर्टीज पर जाकर ना इन्वर्ट कर दिया। अब ये मास्क कौन सा कलर का हो गया, ब्लैक, यानी कि इफेक्ट बिल्कुल हट गया, ब्लैक का मतलब इफेक्ट खत्म कर दिया हमने, जो हमने डार्क सा करा था ना वो हट गया। अभी क्या करेंगे, ब्रश को सिलेक्ट किया व्हाइट कलर के, ब्लैक का उल्टा होता है व्हाइट, यानी कि हमने इफेक्ट को हटा दिया था, अभी व्हाइट कलर से जहां पर जरूरत है वहीं पर इफेक्ट को लेकर आएंगे। और ब्रश की सेटिंग्स में ऊपर से फिल और ओपेसिटी दोनों कम कर दिए, हार्डनेस से जीरो कर दी, क्योंकि अगर ये चीजें बढ़ाएंगे तो इफेक्ट बहुत ही नकली गंदा गंदा सा ओवर ही हो जाएगा, वो चीज नहीं चाहिए, इसलिए ओपेसिटी फिल कम हार्डनेस जीरो। और साइज को एडजस्ट करके ना हाइड्रेंट के ऊपर यूज कर दिया, तो अभी बेसिकली जहां पर जितनी जरूरत थी वहां पर उतना उतना इफेक्ट, उतना उतना ब्रश को यूज करा ताकि वो इफेक्ट उतना उतना ही नजर आए, ओवर ना होए। तो ये चीज हम मास्क बड़े अच्छे से कर सकते हैं कि वहीं वहीं पर इफेक्ट को डाले जहां पर जरूरत है, बढ़िया चीज वाला। तो यार जहां पर मैंने हाथ रखा हुआ अपना ये वाला, तो उसके नीचे थोड़ा सा डार्क ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाथ का शेडो भी जाएगा एंड वैसे भी वहां पर जो दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो लाइट कम आ रही है, वहां से थोड़ा सा ज्यादा डार्क होना चाहिए। तो ओपेसिटी और फिल दोनों को बढ़ा दिया एंड वहां से थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर दिया, और भी मतलब जहां जहां पर जितनी जितनी जरूरत थी ना बस उतना उतना वहां वहां पर यूज कर दिया, और जहां पर जरूरत नहीं थी, जहां से इफेक्ट को कम करना था या हटाना था, सिंपल है, ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लो और वहां पर यूज कर दो जहां पर नहीं चाहिए। व्हाइट ब्लैक बड़ी सही चीज होती है, मतलब यहां पर हमने ब्लैक और व्हाइट ब्रश से खेलना होता है। अब देखिए अब बिफोर आफ्टर, पहले वाला आपको नकली सा लग रहा है ना, फिर मैंने ना अपने ऊपर थोड़ा सा साइड से लाइट का इफेक्ट बनाना था, तो अपने ऊपर एक नई लेयर बनाई मैंने, जो आसमान में कलर आ रहा है ना वही वाला कलर सिलेक्ट करा और हल्का हल्का सा ना यहाँ पर साइडों में भर दिया और ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर दिया। आप देखिए बिफोर आफ्टर, तो फिर ना ह्यू सैचुरेशन फिर से लेकर ना अपने टर्बन की सिलेक्शन बना दी, यानी कि वो वाला कलर सिलेक्ट हो जाए, और थोड़ी बहुत ह्यू, थोड़ा सा ह्यू कम कर दिया, थोड़ी सी सैचुरेशन कम कर दी। तो अभी देखिए आप बिफोर आफ्टर, फिर ना सारी लेयर्स को पकड़ के सिलेक्ट करके थोड़ी सी पोजीशन भी एडजस्ट करी मैंने, मतलब कि साथ साथ में जो भी थोड़ी बहुत कमी पीछे नजर आ रही है उनको साथ साथ में हटाते जाओ और कोशिश करते जाओ फोटो बढ़िया से बढ़िया बनती रहे। फिर ना सारी फोटो के ऊपर कलर लुकअप का यूज करा एंड दो बार यूज करा था, पहले वाले में ड्रॉप ब्लूज करा, फिल और ओपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम, फिर से सेम इफेक्ट को यूज करा एंड इस बार इसके अंदर से फॉल कलर्स को चूज करा, थोड़ी सी इससे येलो सी टोन हो जाती है, ऑरेंज येलो सी बढ़िया सी हो जाती टोन, तो इसकी भी ओपेसिटी और फिल कम कर दी थोड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद ग्रेडियंट फिल का यूज करा, ब्लैक कलर लेकर ना एक ही साइड पे ब्लैक कलर लिया, दूसरे कलर को हटा दिया था, और नीचे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट होता ना वो चीज क्रिएट करने के लिए, इसकी भी ओपेसिटी फिल कम, मतलब जितनी जरूरत है बस उतना उतना इफेक्ट को यूज करना है। और ये ग्रेडियंट फिल वाला इफेक्ट ना बैकग्राउंड के ऊपर भी लगा दिया मैंने, सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर ही मेरी ना यार, और मेरी जीन्स में भी मुझे लाइट ज्यादा लग रही थी, उसके ऊपर भी मैंने ब्लैक कलर के ब्रश को यूज करा ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए वो। और इतना ही नहीं, सारी लेयर्स के ऊपर एक और खाली लेयर बनाई मैंने,
एंड उसके ऊपर फिर से ब्लैक कलर से थोड़ा सा डार्क डार्क सा कर रहा हूँ। नीचे थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही थी, मतलब वो मैं चाह रहा था भी दूर हो जाए गड़बड़। बाकी तो आपको पता ही है, साथ साथ में छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं, आप भी करते होंगे, मैं करता रहा। फिर सारी लेयर्स के ऊपर एक और खाली लेयर बनाकर ना लाइट इफेक्ट मैंने बनाया यहाँ पर साइड में, यहाँ के यहाँ मुझे याद नहीं, शायद यहाँ पर लाइट का इफेक्ट बनाया ताकि पीछे से जो लाइट आ रही है उसका थोड़ा सा इफेक्ट ओवरऑल फोटो के ऊपर आए, ताकि बैकग्राउंड के ऊपर लाइट का इफेक्ट आए, मेरे ऊपर भी आए, दोनों के ऊपर है। तो ये बस छोटी छोटी सी चीजें होती है, ये मतलब प्रैक्टिस से आ जाती हैं, मुझे भी अभी आ रही हैं, मैं अभी परफेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने जितनी भी लेयर्स थी सारी लेयर्स को मर्ज कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाकर, राइट क्लिक करके उसको बनाया स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर से गया भाई कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, ताकि ओवरऑल पूरी की पूरी फोटो के ऊपर थोड़ा सा और टूल्स का इफेक्ट्स का यूज करें, ताकि फोटो और भी बढ़िया बने। लेकिन मैंने इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं करा था, सिंपल सिंपल जी पांच छह एडजस्टमेंट्स होंगी, जैसे शेडोज को कर दिया -8, ब्लैक्स कर दिया 20, क्लैरिटी को 3 कर दिया, टेक्सचर को -4 कर दिया, वाइब्रेंस को 4 कर दिया और टेम्परेचर को भी 4 कर दिया, सिंपल सी बस। उसके बाद कलर ग्रेडिंग वाले टैब पर जाकर ना जो मिड टोन्स होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा येलो टोन ऐड कर दी बस। तो मेरे कलर तो भाई ऑलमोस्ट मैच हो ही गए थे बैकग्राउंड के साथ, आप ही देखो। बस उसके बाद मैंने डॉज एंड बर्न करा, जो आप जानते ही हैं चमक से ऐड करनी और शेड इफेक्ट बनाना, तो बस डॉज एंड बर्न करा और मेरी फोटो हो गई थी रेडी। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को जरूर मिला होगा। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।